2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज कांग्रेस ने वाराणसी से चुनावी तैयारियों का बिगुल फूका है। जिस तरह से पी चिदम्बरम ने कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों की प्रतिक्रिया ली है, उसके बाद कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनको घेरने की कवायद कांग्रेस कर रही है। देखिए, पूरे देश में जैसा चिदम्बरम जी ने बताया और हम लोग को पता भी है, कई जगहों पर कांग्रेस की का संवाद आम लोगों के साथ हो रहा है। शहर जैसे बनारस के यहाँ प्रतिष्ठित लोग थे, गांव के लोग थे, सारे लोग आए हुए थे और सबसे संवाद होके, और ये नहीं कि खाली बात करके लोग चले जा रहे हैं। आज जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ, अभी शाम को ही, रात में ही ललितेश भी उनके साथ गए हैं, चिदम्बरम जी के साथ वापस दिल्ली। आज रात में ही उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ के साथ कांग्रेस ने पूरे घोषणा पत्र पर लोगों की प्रतिक्रिया जानी है और अब इस पर काम शुरू होगा। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।